हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो सीरीज। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस सब्जेक्ट में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैकेनिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और दूसरा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है, इसमें हम मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी में हम किसी भी बॉडी मतलब यहाँ पे जो बॉडी है वो सॉलिड बॉडी है, इसलिए इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड बॉडी में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी या सॉलिड बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है, उसके शेप और साइज में चेंज आता है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी का मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये नाम कैसे पड़ा। ठीक है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स या टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। ठीक है, तो देखिए, एक चीज़ होती है फेलवर ऑफ मटेरियल। ठीक है, फेलवर, फेल हो जाना। तो फेल हो जाना का मतलब क्या है, आप डेली लाइफ में या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट का एक काम रहता है, उसका फंक्शन रहता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट जिस फंक्शन के लिए बनाया गया है या जिस काम के लिए बनाया गया है, वो काम वो प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है ना, तब हम क्या बोलते हैं, वो प्रोडक्ट फेल हो गया या फेलवर ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फेलवर है वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं फेल होने के, कोरोजन हो गया या और कोई रीज़न है जिसके कारण वो चीज़ काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फेलवर ऑफ मटेरियल के बारे की, मटेरियल में किस तरीके से फेलवर आता है। ठीक है, मटेरियल में जनरली हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मटेरियल बोल रहा हूँ मतलब आप हमेशा उसको मेटल कंसीडर करके समझेंगे कि मेटल में किस तरीके से फेलवर हो रहा है। ठीक है, तो फेलवर मतलब फेलवर ऑफ मेटल या फेलवर ऑफ मटेरियल के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स या लोड लगने के कारण किस तरीके से फेलवर होता है मटेरियल में या मेटल में, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली जब आप किसी भी प्रोडक्ट में, कोई भी कंपोनेंट आपके पास है, कोई भी वस्तु है जिसमें फोर्स लगता है, लोड लगता है, ठीक है, कोई बल आप लगाते हैं, तो उस बल लगने के कारण एक्सटर्नल बल या एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण उस पदार्थ में, उस मटेरियल में किस तरीके से फेलवर आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मटेरियल या कोई भी मेटल में तीन तरीके से फेलवर आ सकता है। ठीक है, एक होता है डिफॉर्मेबल होने से मटेरियल फेल हो जाएगा, ये पहला रीजन है, जब लोग एक्सटर्नल लोड हम अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी मटेरियल या मेटल में फेल कैसे होता है, पहला होगा डिफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा जो तरीका है फेल होने का वो है फ्रैक्चर, और तीसरा तरीका है रप्चर। जब किसी भी मेटल में या कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो मटेरियल तीन तरीके से फेल हो सकता है। फेल का मतलब वो मटेरियल जिस काम के लिए बनाया गया है या वो कंपोनेंट जिस मटेरियल से बना है, उस किस काम के लिए बनाया गया वो काम या उस एप्लीकेशन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मतलब फेल हो गया। और ये फेल तीन तरीके से होगा, एक डिफॉर्मेशन हो सकता है, दूसरा फ्रैक्चर हो सकता है, और तीसरा उसमें रप्चर हो सकता है। क्लियर है? अब ये जो डिफॉर्मेशन है ये दो तरीके से होता है। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरा होता है
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्लियर है। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में हमने मटेरियल टेस्टिंग लैब में डिस्कस किया है कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होता है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का एक लेक्चर है, आप उसको जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का गुण क्या होता है, ठीक है। तो उसी से जुड़ा हुआ है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी वस्तु पे, कोई किसी भी कंपोनेंट पे, किसी भी बॉडी पे, तो क्या होता है उसके शेप और साइज में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने क्या किया, टेंशन फोर्स, या इसको मैंने ऐसे पुल किया, दोनों तरफ से खींचा, तो क्या होगा, ये पदार्थ की लंबाई बढ़ेगी, है ना, इस मटेरियल की लंबाई बढ़ेगी, इसका डायमीटर या क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसमें चेंज आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्म होना। यह डिफॉर्मेशन का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स लगने से उसमें क्या होगा, शेप और साइज में चेंज आएगा। तो डिफॉर्मेशन जो है दो तरीके से हो सकता है किसी भी मेटल में या किसी भी मटेरियल में। एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक का मतलब ये है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसके शेप और साइज में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल हमने इसमें टेंशन फोर्स लगाया, इसमें हमने पुल फोर्स अप्लाई किया, तो इसका लेंथ बढ़ गया। अब जैसे ही हमने जो फोर्स लगाया था उसको रिमूव कर दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है। तो ये इस तरीके का जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर है इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो बहुत सारे वस्तु आप घरों में यूज करते होंगे जिसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट या वस्तु ऐसा होता है कि उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा अच्छे से। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्लास्टिक का चेयर ले लीजिए, प्लास्टिक के चेयर में आप बैठेंगे तो उसके नीचे जो में जो चारपाई है या जो सपोर्ट है, अगर वो बेंड हो जाए या पीछे आपने क्या हुआ है, अपने बॉडी को टिकाया हुआ है तो ऐसे बेंड हो जाए तो चेयर क्या होगा, है ना, आप चेयर काम नहीं कर रहे हो आपके अगर बेंड हो रहा है तो। और जैसे ही आप उड़ जाते हैं चेयर से, फिर से वो जो चेयर है वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। मतलब वो चेयर में किस तरीके का डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्लियर है। और एक दूसरा जो होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसके शेप और साइज में चेंज आता है। और लोड को हम हटा भी देते हैं तो जो चेंज हुआ है, जो डिफॉर्मेशन हुआ है, वो परमानेंट रह जाता है, ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाता। तो इस तरीके का जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए तो भी कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट या बॉडी काम करना बंद कर देता है या फैल हो जाता है, ठीक है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, है ना, क्या आपका पैडल जो है बेंड हो गया, या साइकिल का जो रिम है वो बेंड हो गया, है ना, तो वहाँ पे जो साइकिल है या बाइसिकल है वो क्या करेगा, प्रॉपर वे में वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या जो जिस काम के लिए पैडल बना है या जिस काम के लिए रिम बना है वो उस काम को नहीं कर पा रहा है, क्लियर है। तो उस तरीके से उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, तो क्या हो गया, फैलवर हो गया। तो पहला जो फैलवर हो सकता है मटेरियल में होता है डिफॉर्मेशन। अब दूसरा जो तरीका है फैल होने का वो है फ्रैक्चर, है ना। फ्रैक्चर का मतलब टूट जाना, ठीक है। तो फ्रैक्चर और रप्चर कॉमन चीज़ें लगती हैं, लेकिन दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग है। दोनों का मतलब टूटना ही होता है, लेकिन फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर को हम जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसको, उसके फैलवर को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो रप्चर है ना, इसको हम डक्टाइल मटेरियल के फैलवर को डिफाइन करते हैं। डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल क्या है, आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का जो वीडियो लेक्चर है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डक्टिलिटी क्या होता है और ब्रिटलनेस क्या होता है, ठीक है। तो दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि हार्ड मटेरियल है ना, तो उसके जो फ्रैक्चर, उसके जो फैलवर है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रैक्चर से, और सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके
जो फेलवर है उसको डिफाइन करते हैं रप्चर से। तो रप्चर और फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर का मतलब मान लो ग्लास आप ले लें, ग्लास में आप लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो कोलैप्स दो तरीके से होता है, या तो ग्लास पूरी तरीके से टूट जाएगा, है ना, या उसमें क्या आएगा, क्रेक्स आएंगे, है ना। तो ग्लास को देखिए, ग्लास क्या है, हार्ड मटेरियल है, दूसरी बात ये ब्रिटल भी है। तो हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो या तो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा या उसमें कुछ दरारें आएंगी, है ना। तो ये इस तरीके जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर होना, ठीक है। तो फ्रैक्चर जो है वो दो तरीके से होता है, ये कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी होता है। हमने लोड लगाया तो पूरी तरीके से वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, पूरी तरीके से टूट गया, तो ये कंप्लीट फ्रैक्चर है। अब लोड लगने के बाद उसमें क्रेक्स आ गया, है ना, तो क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्चर होगा, है ना। तो जितने भी हार्ड मटेरियल या ब्रिटल मटेरियल है, जैसे आप स्टोन ले लीजिए या ब्रिक्स ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, इसमें लोड लगने से क्या होता है, वो फ्रैक्चर होता है। क्लियर है फ्रैक्चर? तो ये भी क्या हो गया, फेलवर होता है फ्रैक्चर, है ना। दूसरा जो है वो है रप्चर। रप्चर सॉफ्ट मटेरियल में होता है, हम लोड लगाते हैं तो लोड लगने से वो क्या होता है, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, है ना, उसमें पार्शियल नहीं होता, कंप्लीट ब्रेक होता है, तब वो कहलाता है रप्चर, ठीक है। तो ये तीन तरीके से फेलवर हो सकता है मटेरियल जब हम उसमें एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है ना, जब कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आप बनाते हैं तो ऐसा बनाया जाता है कि उसमें कोई किसी भी तरीके का फेलवर ना हो, है ना। तो जो भी लोड लग रहा है उसको बियर करने की कैपेसिटी उसमें होना चाहिए, कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी फ्रैक्चर या कोई भी उसमें रप्चर नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो भी एक्सटर्नल लोड है उसको बियर करने की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्लियर है? इसलिए इस सब्जेक्ट को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी बॉडी या जो भी मटेरियल आएगा उसमें लोड लगेगा और लोड लगने से उसमें किसी भी तरीके से फेलवर नहीं होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे जो लोड लग रहा है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है इसके बारे में इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो लोड का जो इफेक्ट है उसको हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में पढ़ते हैं। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है आगे इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि फेलवर ऑफ मटेरियल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में या टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, बल के प्रकार में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, इसके बारे में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स क्या होता है, उसका किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी में और उस फोर्स के कारण वो डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी में लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है किसी भी वस्तु में उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो लोड है वो है स्टैटिक लोड या स्टैटिक फोर्स, ठीक। दूसरा जो लोड या फोर्स का टाइप है वो है फ्लक्चुएटिंग लोड। तीसरा जो टाइप है वो है इंपैक्ट लोड। ये तीन प्रकार के लोड है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, आपको तीनों को डिटेल में जाना नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली हम डिफॉर्मेबल बॉडी का मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो उस बॉडी में तीन तरीके से फोर्स एक्ट कर सकता है, एक स्टैटिक लोड, एक फ्लक्चुएटिंग लोड और एक इम्पैक्ट लोड, है ना। तो स्टैटिक लोड क्या होता है ना, देखिए फोर्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। फोर्स का डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका लाइन ऑफ एक्शन होता है, उसका पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। तो कोई भी फोर्स हम लगाएं किसी भी बॉडी में तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज ना हो,
डायरेक्शन चेंज ना हो, उसका पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज ना हो, है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन और उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इस तरीके के फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फोर्स या स्टैटिक लोड। क्लियर है। फ्लक्चुएटिंग लोड है ना, कोई भी फोर्स हम लगा रहे हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, उसका क्वांटिटी जो है चेंज हो रहा है। 100 न्यूटन था, 200 न्यूटन हो गया, 300 न्यूटन हो गया, है ना, वेरी कर रहा है टाइम के साथ में, है ना। या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, कभी अपवर्ड लग रहा था तो कभी फिर डाउनवर्ड लगना शुरू हो गया, है ना। तो ये, या उसका पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो गया, जिस बिंदु पे काम कर रहा है वो पॉइंट ही चेंज हो गया। तो इसी जब चेंज हो जाता है फोर्स में, तो उस तरीके के फोर्स या लोड को हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। क्लियर है। इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड क्या होता है ना, जब हम कोई भी बॉडी में, कोई भी वस्तु में फोर्स लगाते हैं तो एक हाई वेलोसिटी में फोर्स लगाते हैं, वेलोसिटी के साथ फोर्स लगाते हैं, तो उस तरीके के लोड को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट लोड या धक्का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ना, लोहार क्या करता है, हथौड़े से या हैमर से गर्म लोहे को पीटता है, तो हैमर से हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी के साथ फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी में। तो हैमर से जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस मेटल पे, वो तो क्या हो गया, इम्पैक्ट लोड हो गया, है ना। तो विथ वेलोसिटी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, तो लोड कहलाता है इम्पैक्ट लोड। क्लियर है। अब इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिक लोड के बारे में, है ना। स्टैटिक लोड के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सिलेबस है इसमें जो लोड एक्ट करेगा वो स्टैटिक लोड ही रहेगा। ठीक है, डिफॉर्म मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो लोड आएगा आपके सामने वो क्या होगा, स्टैटिक लोड होगा। क्लियर है। तो स्टैटिक लोड को फिर आगे हम बेसिकली फोर टाइप्स के लोड होते हैं स्टैटिक लोड में। एक होता है टेंशन फोर्स या टेंशन लोड, तनाव बल, दूसरा होता है कंप्रेशन फोर्स या कंप्रेशन लोड, तीसरा जो फोर्स का टाइप है वो होता है शियर फोर्स, और चौथा जो प्रकार है वो है बेंडिंग फोर्स। क्लियर। तो बेसिकली हम टाइप्स ऑफ फोर्स में ये चार फोर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिक लोड के अंदर आता है। क्लियर है। टेंशन फोर्स, तनाव बल, कंप्रेशन फोर्स दबाव बल, शियर फोर्स अपरूपण बल, बेंडिंग फोर्स बंकन बल, ये चार फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो एक करके डिस्कस करते हैं कि ये फोर्स होता क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो टेंशन फोर्स क्या होता है, कोई भी बॉडी आपके पास है, मान लो इस तरीके से एक बॉडी है, एक रॉड हमने बना लिया, ये सर्कुलर रॉड है, छड़ है, ये इसका एक्सिस पॉइंट, एक्सिस लाइन, दिस इज एक्सिस ऑफ द रॉड। ठीक है, अब ये रॉड में इस तरीके से इस पॉइंट पे एक फोर्स ऐड कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। मान लो ये फोर्स पी है और ये फोर्स भी पी है, तो इस तरीके के लोड को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। पी इज द टेंशन फोर्स, तनाव बल। क्लियर है। तो तनाव बल क्या होता है, जब किसी वस्तु में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, और दोनों फोर्स क्या हो, कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे हो। क्लियर है। क्या है टेंशन फोर्स, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दो फोर्स होने चाहिए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो,
और दोनों फोर्स एक ही लाइन पे हो, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, कोलिनियर हो, तो इस तरीके के फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। और ये जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, पुल फोर्स होना चाहिए, है ना। ये क्या पुल फोर्स होना चाहिए, खिंचाव बल होना चाहिए। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्लियर है टेंशन फोर्स क्या है, दो ऐसे फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पे हो, तो ऐसे दो पुल फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। क्लियर है टेंशन फोर्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये फोर्स है, यूनिट आपको पता है न्यूटन में हम ले लेते हैं, है ना, फोर्स का यूनिट या लोड का यूनिट। अगर ये फोर्स जिस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और इस बॉडी पे ये एक्सिस पे एक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा जरूरी है कि ये फोर्स उस बॉडी के अक्ष पे हो या एक्सिस पे हो। लेकिन बहुत सारे कंडीशन ऐसे आते हैं जिसमें ये फोर्स क्या है, उस बॉडी के एक्सिस पे ही एक्ट करता है, है ना। तो उस केस में इसको हम लोग एक्सियल फोर्स बोल देते हैं, एक्सियल टेंशन फोर्स। एक्सियल मतलब उस बॉडी के अक्ष के अलोंग, एक्सिस के अलोंग में ये टेंशन फोर्स एड कर रहा हो, तब उसको हम लोग एक्सियल टेंशन फोर्स कहते हैं। क्लियर है टेंशन फोर्स क्या है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे इस बॉडी को मैं खींच रहा हूँ, टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, है ना। या आप कोई भी रॉड लेके खींच रहे हैं तो टेंशन फोर्स लग रहा है, रस्सी को आप खींचे दोनों तरफ से तो टेंशन फोर्स लग रहा है। और टेंशन फोर्स लगने के कारण क्या होगा, इसके लंबाई में वृद्धि होगा, पहला इफेक्ट ये आएगा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, मान लो सर्कुलर है तो इसका डायमीटर कम होगा। इसमें और क्या इफेक्ट आएगा, आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है टेंशन फोर्स। दूसरा फोर्स हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्रेशन फोर्स के बारे में। दबाव बल, ठीक है, तो दबाव बल क्या होता है, सेम एग्जांपल आप ले लीजिए, एक रॉड है हमारे पास, इस तरीके से कोई वस्तु है, सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन एरिया में, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होता है किसी वस्तु का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर। जैसे ये लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में जो एरिया होगा बॉडी का, ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब ये बॉडी है हमारे पास जिसका अक्ष ये है, अब इस बॉडी में दो फोर्स एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस तरीके से एक फोर्स एक्ट कर रहा है पी और एक दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरीके से पी, तो इस तरीके का फोर्स कहलाता है कंप्रेशन फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स क्या है, जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, अपोजिट डायरेक्शन पे हो और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, एक ही लाइन पे हो, मतलब कोलिनियर फोर्स हो, लेकिन ये फोर्स कैसा हो, पुश फोर्स हो, है ना। तो ऐसे दो पुश फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पे हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स या कंप्रेसिव लोड। क्लियर है, पुश फोर्स है, याद रखिए पुश फोर्स होना चाहिए। टेंशन और कंप्रेशन में मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन कोलिनियर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, टेंशन फोर्स पुल फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स पुश फोर्स है, याद रखें, है ना। तो ये कंप्रेशन फोर्स होता है। अब ये कंप्रेशन फोर्स के कारण क्या होगा, जिस बॉडी में ये एक्ट करेगा, है ना, उसकी लंबाई कमी आएगी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या डायमीटर क्या होगा, वृद्धि होगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स है, या कोई भी मेटल को आप प्रेस करिए, कंप्रेशन फोर्स है, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पे कंप्रेशन फोर्स या कंप्रेशन लोड काम करता है, आगे आएगा एग्जांपल कि कहाँ पे किस तरीके का फोर्स ऐड कर रहा है। क्लियर है ये दो फोर्स। थर्ड जो फोर्स है वो है शियर फोर्स। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज शियर फोर्स या शियर लोड।
ठीक है। तो शियर फोर्स क्या होता है, अपरूपण बल इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से दो प्लेट है, ये दो प्लेट है मान लो मेटल का ही बना हुआ है, एक के ऊपर एक ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों प्लेट हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखा हुआ है, दोनों प्लेट को हमने क्या किया है, एक रिवेट से ऐसा ज्वाइंट कर दिया। रिवेट आपको पता है क्या होता है, ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं, ऐसा रिवेट लगा दिया गया है ना, ये रिवेट और ये प्लेट। अब इस प्लेट में इस डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट कर रहा है और इस दूसरे प्लेट में इस डायरेक्शन में फोर्स पी एक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके जो फोर्स है उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा ये देखना है। तो इफेक्ट किसमें देखना है, इस रिवेट में, रिवेट में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है रिवेट को इस प्लेट्स में इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो रिवेट को इस तरफ खींचेगा, इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा रिवेट में, और इस प्लेट में इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये प्लेट का ये पोर्शन रिवेट को इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिवेट यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे स्लिप हो जाएगा, स्लिप होगा। तो इस तरीके से जो स्लिप होता है इसको हम लोग बोलते हैं शियर हो, शियर ऑफ होना, ठीक है। तो देखेंगे तो रिवेट जो है इस तरीके से क्या होगा, शियर हो जाएगा दो टुकड़ों में, यहाँ पे ये शियर हो जाएगा इस एरिया पे, ये पूरा क्रॉस एरिया जो है क्या होगा, ऐसे स्लिप होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोड जिसके कारण कोई सरफेस क्या हो रहा हो, शियर ऑफ हो रहा हो, इस तरीके से उसको हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स। तो शियर फोर्स क्या होता है, देखिए ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो ऐसे दो फोर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, है ना, जिसके कारण बॉडी का कोई एरिया या कोई सरफेस क्या हो, शियर ऑफ हो रहा हो, तो वहाँ पे जो लोड एक्ट करता है उस पर जो लोड को हम लोग बोलते हैं शियर लोड, है ना। ऐसे दो लोड जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, पैरेलल फोर्स हो, जिसकी वजह से बॉडी का कोई एरिया शियर ऑफ हो रहा हो, तो वहाँ पे जो लोड एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं शियर लोड, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये शियर लोड भी बहुत सारे जगहों पर एक्ट करता है, ठीक है। आई होप कि शियर फोर्स आपको समझ में आया होगा। फोर्थ टाइप ऑफ लोड इज बेंडिंग लोड, बंकन बल या बेंडिंग फोर्स, ठीक है। तो बेंडिंग फोर्स क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, बेंड, बेंडिंग मतलब बेंड होना, है ना। तो जब किसी भी बॉडी में फोर्स एक्ट कर रहा हो और जिस उसकी वजह से क्या हो जाए, वो बेंड हो जाए, बॉडी क्या हो, बेंड हो जाए, तो वहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको बेंडिंग फोर्स कहते हैं या बेंडिंग लोड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दीवार पे हमें कोई खूंटी गाड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे हमें कोई लोड लटका दिया, तो इस लोड या आपने कोई थैला या बैग यहाँ पे क्या किया, लटकाया हुआ है, तो इस वेट के कारण क्या होगा, ये खूंटी ऐसे बेंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो लोड एक्ट करेगा इस खूंटी में वो क्या होगा, बेंडिंग लोड होगा, क्लियर है। तो वह लोड जिसके कारण बॉडी में क्या हो, बेंड हो या बेंडिंग इफेक्ट आए, उस लोड को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग लोड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हैं, इस तरीके से एक रॉड है, एक छड़ है, जिसको हमने एक एंड को फिक्स कर दिया इस तरीके से, दूसरे एंड पे यहाँ पे हमने ऐसा फोर्स लगाया हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, इस तरीके से ये छड़ या रॉड जो है क्या होगा, बेंड होगा, है ना, ये बेंड हो गया। तो यहाँ पे ये जो फोर्स पी एक्ट कर रहा है, ये कौन सा फोर्स है, बेंडिंग फोर्स है ना। जैसे आप रॉड को ऐसे बेंड करें हाथ से पकड़ के, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उस रॉड पे, वो बेंडिंग फोर्स है। तो बेंडिंग फोर्स का एग्जांपल बहुत सारा है,
आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी फोर्स ऐड करे, चाहे टेंशन हो, कंप्रेशन हो, शियर हो या बेंडिंग हो, तो उसके कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है और उसका एक इफेक्ट आता है। तो चारों तरीके के फोर्स का किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। जो फोर्स है इसके इफेक्ट को हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में समझते हैं, या उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में दर्शाया जाता है, जिसके बारे में हम पूरा सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी फोर्स हो, सबका यूनिट SI यूनिट न्यूटन में होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।